और मुझे तो उनके साहब एक बता रहे थे कि हम जितना मर्जी गुस्सा करके साहब को गुस्सा आता ही और ये हम जानते हैं। बोले मैं 15 मिनट तक इनके सामने गुस्सा करता रहा। कौन थे हमारे वो सूर्या प्रकाश करती कुमार काउंसिल के चेयरमैन। बोले मुझे बहुत गुस्सा था, मैं 15 मिनट गुस्से में बात करता रहा। जब देखा कि मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही तो लास्ट में मैंने सोचा कि क्यों अपना समय खराब करूं, मैं भी मुस्कुरा देता हूं। ऐसे मनोज तिवारी जी जो हर किसी की चिंता करते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति की चिंता करते हैं और लगातार तत्पर से अब उनको पार्लियामेंट का अनुभव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के आगमन संकल्प है वो चारों तरफ मैं देखता हूँ। मैं एक दिन गुजरात जाता था शाम को और लड़की जी खैर नहीं तो राइट कैसे लो, तो मुझे कहा अच्छे में कि आप जाइए। मैं चला गया, मैं देख रहा था कि किस प्रकार लोग जो है आपके इंतजार में पागल थे और वहाँ कच्छ के अंदर की लगभग 1.5 लाख की भीड़ जो है वो इस इंतजार में थी कि मनोज तिवारी जी आएंगे। और ऐसे मनोज तिवारी किसी हिस्से में चले जाए वहाँ पर लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे यशस्वी लोकसभा के हमारे सामने तो प्रत्याशी जो है हमारा यहाँ से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ये हम सब के लिए भी गर्व की बात है। मैं आप सबसे इतना ही कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करता है तो मनोज तिवारी जी को भारी बहुमत से विजय दिलाना है। इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि हम सब टीचर शिक्षक जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं वो सब ईमानदारी से इस काम में लगेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सबसे बस एक जय घोष का नारा लगवाऊंगा, जय श्री राम जय श्री राम। अब मैं अपने बड़े भैया मनोज तिवारी जी को कहूंगा कि वो अपना एक स्पीच बताएं। और हमारा जो आज का थीम है वो है शिक्षक। सकता है किसी पॉइंट पे ये सारी बातें तो समझ में आ गई। देश भी एक परिवार और इस परिवार में ऐसा क्या हो गया कि आज 5-5 साल अनाज फ्री दिया जाने लगा। ऐसा क्या हो गया कि कोरोना की वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दी गई। ऐसा क्या हो गया कि 12 करोड़ घरों पे इज्जत घर सरकार ने बना के दिया। हम आप सोचें हमारे घर में टॉयलेट हो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन सरकार ने उठा ली। हमारे आपके घर में गैस का चूल्हा हो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी थी कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने उठा ली। हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक का बैंक वाला उसको अकाउंट खोले ये ना पूछे कि आप कितने बैंक बैलेंस वाले हैं, ये तो उस परिवार की जरूरत थी, सरकार ने करना शुरू कर दिया। और आगे भी हम आप देखेंगे तो हमारी तो सबसे बड़ी जो शिक्षा में रावत को सबसे बड़ा आधार है चुनाव में बात करने का कि राम राज्य क्यों नहीं होना चाहिए। जहां एक सिंपल व्यक्ति की भी बात सुन रहा हो राजा वही तो राम राज्य। मगर राम राज्य कहते हुए कई लोगों को ऐसा लगता है लाल कपड़ा दिखा गया भड़क जाते तो। उनको राम शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं। हाँ तो कहते हैं लोग देश में चल रहा है, लेकिन हम तो राम से ये भी कहते हैं कि राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो ये भी तो संस्कार है राम ने दिए। विश्वामित्र जी ने कह दिया धनुष यज्ञ में उठहु राम बन जाओ शिव चापा। वो ये थोड़े पूछे राम धनुष तोड़ सकते हो क्या, आपने कुछ बोला चाहे महर्षि वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए या फिर तुलसीदास जी को उठा लीजिए। विश्वामित्र जी को इतना भरोसा था राम, उठो राम बन जाओ शिव, उठो और शिव का धनुष तोड़ दो। तो एक सवाल ये भी तोड़ता था राम जी पूछते थे कि गुरु जी तोड़ने से विवाह हो जाएगा तोड़ू क्या, पिताजी को पूछो पहले। वो सोचिए राम जी ने ये भी नहीं पूछा, गुरु ने कहा राम पे गुरु का विश्वास और गुरु पे राम का विश्वास। तो अगर इस राम की कहानी को कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है तो
तो हमारी संस्कृति का कितना बड़ा विरोधी है ये कहने की बात नहीं, इसलिए संकोच मत करिए, आइए चलिए और निकल के यहाँ बैठने से मान लीजिए जितने भी शिक्षक हो, कई हमारे कार्यकर्ता भी है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, हम जितना प्रचार सामने से करते हैं, एक वीडियो वायरल होता है इंस्टा पे और पता चला 5 मिलियन लोग देख लिए, तो वोट तो हमको 10 लाख चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए एक ही मिलियन की आवश्यकता है। तो इसलिए इसको इन जो अब हमको ना हमको कोई बम और गोले से नहीं हरा सकता भारत, वो समय चला गया, क्योंकि अब वो सरकार नहीं है कि सेना हथियार मांग रही है और सरकार कहती है कोई जरूरत नहीं, पता चले पाकिस्तान बॉर्डर पे भी लगा दिया, चाइना बॉर्डर पे भी लगा दिया और हथियार नहीं दे रहे। आजकल तो वो सरकार है जिसको खुली छूट दे रखी है, अगर एक गोली आती है तो तुरंत गोला झोंक दो, कमी नहीं होने वाली, अगर किए तो राफेल लो। और पहली बार ऐसा देख रहे हम लोग कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, इसलिए 25 मई मात्र एक चुनाव का दिन नहीं है, खासतौर से हम तो सुने हैं कि एक प्रत्याशी के साथ अगर एक शिक्षक खड़ा हो जाए ना तो उसको कोई हरा नहीं सकता, यहाँ तो कम से कम इतने सारे शिक्षक हैं, मगर यहाँ से उठने के बाद ये न सोचे कि अच्छा चलो ये मनोज ने इतनी बात कही तो वोट दे दे, उससे नहीं, वोट तो आपको देना है, लेकिन आपको वोट देने के लिए प्रेरित कितनों को कर सकते हैं? आप जो विषय पढ़ाते हैं वो आजकल तो देखिए ना, जो कोचिंग कराते हैं और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनसे ज्यादा जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनका सुना जा रहा है, इतने ज्यादा सुना रहे पता चल को हमें समझना है। आज जसपाली मैम ने ये हमारे अध्यक्षता में भी शिक्षा का काम देखते कि संजय भैया आप सभी महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हुआ अगले कार्यक्रम में जा रहा हूँ। और ये भी याद रखना है कि विचारधारा दो ही है, एक है कि देश के लिए लड़ना है और दूसरे लोग है कि देश को तोड़ने के लिए लड़ना, एक है जो आतंकवादियों अगर आतंकवादी कहीं गर्भ में भी पल रहा है तो उसको नष्ट करने के लिए लड़ना है, दूसरे है जो घर घर आतंकवादियों को निकालने के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। राम राम कहियो जी सब प्रार्थना करें। राम जी से राम कहियो जी जय श्री। सम्मेलन में आप मलकागंज में आए हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम? देखिए हम तो सुनते हैं कि एक शिक्षक खड़ा हो जाए तो प्रत्याशी अवश्य जीतता है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि दर्जनों शिक्षक और डीन के पद पे रहने वाले बड़े बड़े शिक्षा के कार्य को संभालने वाले शिक्षकगण यहाँ शामिल हुए। जसपाली जी हमारी जो शिक्षा प्रकोष्ठ देखती हैं उन्होंने कार्यक्रम को किया, संजय मित्तल जी ने, और मुझे विश्वास हो गया कि अब ये जीत और भी बड़ी होगी। और कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अभी मैं सभी से मिल चुका था, शिक्षक वृंद से एक ही भेंट हो पाई थी मेरी, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर जो कम्युनिटी है उससे हमारी कम से कम 2 मुलाकात जरूर हो जाए। आज शिक्षक समाज से भी हमारा दूसरा मुलाकात हुआ, एक दिन श्यामलाल कॉलेज के आसपास कहीं हमारी मीटिंग हुई थी, तो आज की मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रही। और जिस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे हैं मैं तो सुना भी, खाली मैं तो थोड़ा सा बोला, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के बच्चे को बताना चाहते हैं, हर नागरिक मतदाता को,
वो ये लोग पहुंचाएंगे। सर क्या लग रहा है इस बार 400 पार के लिए शिक्षकों का साथ मिलेगा? शिक्षकों का साथ मिलेगा इस बार 400 पार होने में? हाँ, शिक्षक तो निर्माता है ना भविष्य का, और भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ चलते रहे तब तक इस देश का शिक्षक या इस देश का जो देश प्रेमी है वो कोई दूसरा थॉट ले ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना भारत के जल्दी से जल्दी विकसित होने का प्रमाण बना। सर एक आखिरी सवाल और है, शिक्षकों के लिए क्या कुछ अहम रहेगा अगर फिर से आप लोगों की सरकार बन जाए? शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की भर्ती। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो रिक्त पद थे शिक्षक गण के, जो परमानेंट शिक्षक गण के, जो बरसों से एक बड़ा मुद्दा होता था, मुझे लगता है लगभग 5,500 की संख्या में हम इस अपनी सरकार में हम लोगों ने शिक्षकों की परमानेंट नियुक्तियां करी हैं। और इससे जो डीयू में, कि हम खाली डीयू की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इससे जो उल्लास और शिक्षा का वातावरण बना है वो आप स्वयं शिक्षकों से बात करके पता कर सकते हैं। अरे पत्रकार तो देशभक्त भी होता है। पत्रकार देखो, जैसे नेता अच्छे होते हैं लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ भी आ जाते हैं, वैसे हर कम्युनिटी में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार हमारे देश का बहुत ही सजग है, सतर्क है, और वो जानता है कि कौन देश से भक्ति करने वाला है और कौन देश तोड़ने वाला है। शिक्षक सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक तो आप मानते ही हैं कि हमारे बेसिक पिलर हैं, और विकसित भारत 2047 हमारा टारगेट है। हम विकसित होकर भी दिखाएंगे, विश्वगुरु बनकर भी दिखाएंगे, तो शिक्षक का बहुत बड़ी अहमियत है उसमें। तो इसीलिए शिक्षक सम्मेलन आज भी रखा है, आगे भी होते रहेंगे। तो शिक्षक का क्या योगदान है इस चल रहे चुनाव समर में, केवल ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। शिक्षक बेसिकली युवा शक्ति को हमारी जो है जो भ्रमित भी हो जाती है कई बार, दिशा निर्देश देते हैं। तो शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनको साधने का काम कर रहे हैं कि अब जो चुनाव आ रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, मोदी जी को जिताएं, कहीं ना कहीं आपका ही। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें क्लियर कट बात है कि मोदी जी जिस हिसाब से हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और विश्वगुरु बनने के लिए और ले जा रहे हैं, तो हम लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, ये बताएं। अच्छा संजय जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप तो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, दिल्ली चांदी वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप कहाँ इस राजनीति के अंदर? नहीं, राजनीति मतलब कुछ टैगलाइन होनी चाहिए तभी आ सकते हैं क्या जितेंद्र जी? हम युवा शक्ति हैं, जोश से भरे हुए हैं, तो हम क्यों ना आए, ये बताएं राजनीति में। और हम लोग आएंगे, और मोदी जी खासकर युवा शक्ति को ही प्रेरित कर रहे हैं आगे आने को। तो क्या उद्देश्य है आपका, क्या लगता है आपको ये 400 पार का नारा हवा हवाई है या कुछ जमीनी स्तर पर भी? मोदी जी कभी भी हवा हवाई बातें करते नहीं है। 400 पार मेरे को तो लग रहा है उससे भी कहीं पार हो जाएंगे। विपक्ष कह रहा है ये तो केवल जुमलेबाजी है, 130 सीट से ज्यादा नहीं आएंगे इस बार, वो हमें नजर आ गया था कल। अब हमने जब कांग्रेस के एक कैंडिडेट को 4-5 लोगों के साथ नामांकन रैली करते हुए देखा ना, तो वो समझ आ गया था कि उनकी बातों में कितना दम है। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, अभी बीजेपी का कैंपेन भी चल रहा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल से सांसद भी हैं, जनता रुष्ट है या प्रसन्न है, क्या कहेंगे? वो देखिए कि जब हम एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं, तो कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे, लेकिन उन्हें 10 साल हो गए हैं, यानी वो इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, तो अब हम उन्हें पूरा मौका देना चाहिए, उन्हें रिदम मिल चुका है। अब किसी नए कैंडिडेट या भारी कैंडिडेट को लाएंगे तो सोचो देश का क्या हाल होगा या उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या हाल होगा। रुके हुए काम होंगे दोबारा? बहुत तेज गति से होंगे। जी चलिए, ये समझे। और मनोज जी ने तो, मैं बड़े भैया बोलता हूँ उन्हें, तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि कोई मुझे मैसेज करेगा ना उसे 24 घंटे में उसका आंसर मिलेगा। सही, तो चुनावी वादे हो सकते हैं? नहीं नहीं, चुनावी वादे नहीं है। अक्सर मैंने तो कई बार, कई दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया तो उन्होंने कहा कि फौरन रिस्पांस आया हमें। पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं मनोज तिवारी, कहाँ उपलब्ध हो पाते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली? सर मैं तो ये देखता हूँ कि जो एक आम आदमी है उसका जन्मदिन होता है या सालगिरह होती है ना शादी की, तो उसमें भी उनकी बाइट आ जाती है, वीडियो बाइट, तो आप कहाँ हैं, वो हमारे बीच में ही हैं, वो चाहे दूर होंगे लेकिन तब भी बीच में है। धन्यवाद।